जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर पर। आज हम बनाने जा रहे हैं तुअर की दाल, कई जगह इसको अरहर की दाल भी बोलते हैं। आज हम इसको गुजराती स्टाइल में बनाएंगे। तुअर की दाल को हम खट्टी और मीठी बनाएंगे। इसे आप चावल, रोटी, पराठे के साथ में भी खा सकते हैं। काफ़ी टेस्टी लगती है ये दाल। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दाल बनाने के लिए हमने 2.5 कटोरी पानी डाला है कुकर के अंदर। दाल को हम बाफ लेते हैं। 1 कटोरी तुअर की दाल डाल देते हैं। 1 टमाटर डाल देते हैं और ऊपर वाले भाग को हम काट देते हैं जिससे इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। 1/4 इसके अंदर हमने मूंगफली के दाने डाले हैं। 2 खड़ी लाल मिर्ची डाल देते हैं। 1/4 हल्दी पाउडर, 1/4 हमने इसके अंदर नमक डाला है, और ढक्कन लगाकर हम इसको बाफने के लिए चढ़ा देते हैं। दाल पक चुकी है, इसके अंदर से हम टमाटर निकाल लेते हैं और टमाटर के छिलके भी निकाल लेते हैं। 1 चम्मच हम इसके अंदर तेल डाल देते हैं। 1/4 राई, 1/4 जीरा अच्छी तरह से चटकने देते हैं, और 2 खड़ी लाल मिर्ची डाली है हमने इसके अंदर, 1 तेज पत्ता, खड़े मसाले डाल देते हैं इसके अंदर, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 4 काली मिर्ची और दालचीनी का 1 छोटा सा टुकड़ा डाला है हमने इसके अंदर, 5 से 7 मीठे नीम के पत्ते। इन सभी खड़े मसालों को हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। 2 हरी मिर्ची हमने इसके अंदर काट कर डाली है। अच्छी तरह से इन सभी को हम भून लेते हैं। टमाटर हमने दाल से निकाला था बफा हुआ, उसको भी हम छिलके निकाल कर अच्छी तरह से मैश करके इसके अंदर डाल देते हैं। आधा चम्मच हमने इसके अंदर सौंफ पाउडर डाला है, आप इस जगह अदरक भी डाल सकते हैं। 1/4 हींग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसके अंदर हम 1/2 कप पानी डाल देते हैं। मसाले को हम जब तक पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। मसाला अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है। मसाला जितना अच्छा पकेगा दाल हमारी उतनी अच्छी स्वादिष्ट बनेगी। अब इसके अंदर हम बफी हुई दाल डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं इसके अंदर। ठंडी होने के बाद ये दाल गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको थोड़ी सी पतली ही रखेंगे दाल को। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम खट्टी मीठी बनाने के लिए इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे। 1/2 कटोरी हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे और 1 उबाला ले लेंगे हम इसका दाल का, जिसे शक्कर अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाए। काफ़ी अच्छी टेस्टी लगती है, इस तरह से आप दाल ज़रूर बनाकर देखिएगा। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं 1/2 नींबू और दाल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। खट्टी मीठी तुअर की गुजराती दाल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा। काफ़ी टेस्टी लगती है इस तरह से तुअर की दाल। हरा धनिया डाल देते हैं। तैयार है गुजराती तुअर की दाल हमारी। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।